फ्यूचर इंफ्रा डेवलपमेंट विरार को लेके क्या शाहपुर जी के क्या, जैसे मैंने देखा 160 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी, गवर्नमेंट के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने काम किया, जैसे मेट्रो स्टेशन बनाया दिल्ली में अपना, मैंने सुना करके कि आपने इंपीरियल हाइट्स द्वारा आइकॉनिक टावर जो है महालक्ष्मी में वो आप लोगों ने बनाया, तो कुछ तो ऐसे हिंट्स होता रहेगा सर कि अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो रोशन, इसमें गवर्नमेंट के साथ टाइप या उनके साथ कनेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज ओपन फोरम में लिखा हुआ है कि विरार जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि आप जो भी कनेक्टिविटी की पर से बात करते हैं वो सब कुछ विरार से ही शुरू होने वाला है। अब कई लोगों को लगता है जब मैं बुलेट ट्रेन के बारे में बात करता हूँ तो लोग हंस जाते हैं कि ये तो सपना है, बट एक्चुअल में बोरीवली से आएगा करके लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि बुलेट ट्रेन बनेगा, लेकिन बुलेट ट्रेन बन रहा है और बहुत तेज़ी से बन रहा है, और उसकी जो शुरुआत है जो अहमदाबाद से जब वो आ रहे हैं, सेकेंड स्टेशन वाइल यू कमिंग फ्रॉम गुजरात उसका जो दूसरा स्टेशन है वो विरार है, उसके बाद जो अगला है वो थाने की तरफ है, उसके बाद जो लास्ट स्टेशन है वो आपका बांद्रा है। तो जो आज 100% श्योर है, तो जो कनेक्टिविटी की आज बात करें, आज लोगों को यहाँ से बांद्रा पहुँचने में जो एक डेढ़ घंटे की जर्नी है, या थाना जाना है किसी को 2 घंटे की जर्नी, वो आपको 12 मिनट में जर्नी पूरी होगी। तो दैट्स द काइंड ऑफ कनेक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट। आप कोस्टल रोड का एग्जांपल ले लीजिए, कोस्टल रोड का जो एंड है हम देख रहे हैं फेज वाइज, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, मेरे हिसाब से कम से कम एक 8 से 10 साल का जर्नी है जो फेज वाइज डेवलप होगा। सर एक और सवाल है सर मेरा, अभी इंफ्रा की बात कर ही रहे हो और फ्यूचर डेवलपमेंट में जैसे आपने